साले को रपटा कर मारता। पिताजी, लेकिन मुठभेड़ में क्या हुआ ये तो मां भवानी ही जानती। इसका चिंता मत करें। पिताजी, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पहली डकैती तुम्हारी राम सिंह एसपी के घर पे डालना होगा। अरे क्या कहता है सुने जरा, आप क्या कहना चाहते? डाल दूंगा डकैती मैं एसपी के घर, डाल दूंगा। जाके एसपी को मारू का इसी घड़ी, उसको जिंदा में छोड़ू नहीं अभी। तुझे समझ बेटा मेरे चेहरी, कोई दुनिया में जमाने में नर ही नहीं। तेरे साथ बाका, तेरे साथ बाका तो भेजूंगा मैं, जाने नहीं दूंगा अब मैं वहां। जी पिताजी, अकेला तन्हा जाओ, लेकिन तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं अपने संचालक पाका सिंह को भेज रहा हूँ। बेटा अमर, ये बाका भी जिंदा है, हम चले गए तेरे साथ में गिरोह लेकर। ठीक है चाचा जी। बाका सिंह पता लगाओ चलकर। अच्छा पिताजी, आप मुझे इजाजत दें। जाओ। जय भवानी, जय भवानी, जय। सुना मेरी बातों को? सुन रहा हूं। तुम इसके पीछे पीछे लगे रहो, अगर वो हराम ज्यादा राम सिंह पीछे पड़ता है तो साले को गोलियों से छन्नी कर दो। और वो पीछा करेगा तो साले के खोपड़िया पुरा दोगा आसमान में। अमर सिंह को आंचना ना चाहिए। जाओ। जब तक ये बाका जिंदा है सरदार जी, बाका सिंह जिंदा है, बाल बाका नहीं कर सकता। जाओ बाका सिंह, देर मत लगाओ। आए मेरे साथियों, उठाओ। और मेरे मास्टर जी ने कहा था कि ये बात जरूर याद करके आना। मैं जब तक इसको याद करती हूं इस मन में, और मेरे नैना सावन भादो, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे भादो, फिर भी मेरा
मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा बात पुरानी है एक कहानी है बात पुरानी है एक कहानी है अब सोचो तुम्हें याद नहीं है अब सोचो नहीं भूले वो सावन के भूले रुक आए रुक आए रुक जाए देखे रुक आए रुक जाए देखे जुटाए फिर भी मेरा मन प्यासा। अरे ये लड़की कौन? ये तो राधा है और यहां अकेले बैठकर क्या कर रही है? इससे यहां बैठने का मकसद हुर मृग नैनी हे चंद्र मुखे चित हरे चित मृग नैनी हे चंद्र मुखे चित हर तिरछी नजर तिरछी नजर से देखती हो तुम्हें राजा और नजर तिरछी किए और नजर तिरछी किए मखमूल बनी थोड़ी हो नजर तिरछी नजर तिरछी किया मखमूल बनी थोड़ी हो और जैसे तुम बेखबर राधा और जैसे तुम बेखबर सपनों में चली चोरी हो जैसे तुम ये बताओ। हाँ राधा बोलो। आपका नाम क्या है? राधा मेरा नाम त्याग सिंह है। कितना प्यारा नाम है। और ये गजब ये तूने किए और दिल की जज्बात को हे राधा दिल की जज्बात को
परवाने से समंदर जाने जाने और उल्फते प्यार की राधा सुनैना और उल्फते प्यार की माशूका यो राज के जाने उल्फते प्यार। अच्छा हाँ राधा, मैं भी आपको जब से देखी हूँ इस चमन में मेरा भी दिल आपके ऊपर आ गया। क्या रहा है? आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ राजा, दिल खोल कर कहो। अरे मारी करके कटारी, अरे मारी करके कटारी किधर जा रहे हैं। मैं तुमको अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि इस समय मैं ट्रेनिंग पर जा रहा हूं। मैं पुलिस इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा था और उसकी नौकरी निकल चुकी है, इसलिए मुझे ट्रेनिंग पर बुलाया गया है और मैं इस समय ट्रेनिंग पर जा रहा हूं। नहीं ले चलोगे? नहीं राधा। क्या है? वहां तुम्हें मैं कैसे ले चलूं? लेकिन मैं आपके साथ जरूर चलूंगी, इसलिए कि मुझे आप कितने अच्छी हो, कितने प्यारे लग रहे हो। मेरी बात को मान लो, मुझसे प्यार करिएगा, इसलिए कि मैं आपके बिना रह नहीं सकती। क्या कहा राधा? मैं अपनी जान खो दूंगी। नहीं राधा, अगर तुमको यकीन नहीं है तो मैं बता रहा हूं। बोलो राधा। अरे गोरे कागज पे लिखू वाले कहीं भी लिखवा सकते हो राजा। अरे गोरे कागज पे लिखू वाले नीचे दस्तक करवाले अंगूठा लगवाले मैंने प्यार किया ये दिल तुझे दिया कि मैंने प्यार किया ये दिल तुझे दिया कि मैंने प्यार किया ये दिल तुझे दिया। कागज पे लिखवा ले नीचे दस्तखत करवा ले अंगूठा लगवा ले मैंने प्यार किया ये दिल तुझे दिया मैंने प्यार किया ये दिल तुझे दिया। आज से अपनी उंगली में नाम तेरा लिख लेती हूँ
अगर तुम्हारी यही जिद है तो सुनो मेरी बात को। क्या? और घर जिद है यही तो मेरी जान मल साथ से अपना दिल बनाओ मुझे ना यारी करो आदले से लगा जा मुसलत पैसदम दिलाओ मुझे राधा। अगर तुम्हारी यही जिद है तो ठीक है, मैं तुमसे प्यार अवश्य करूंगा। और कैसे? कैसे? हर मैं दीवाना पागल तेरा हो गया। हाँ दादा, हर मैं दीवाना पागल तेरा हो गया, मैं खो गया तेरे प्यार में खो गया। चैन ले लिया तूने मुझे ये कैसा दर्द दिया, ना होश है ना खुद का ख्याल है, दिल तेरे जीना अब तो मुहाल है, आग ले लगा लो ये पास राम जाल। गले लगा लो ये फासला मिटा लो, होठों से मैं लगा लो तुझे बांसुरी बना लो, जागे अरमाय आलम साया सो गया, मैं खो गया तेरे प्यार में खो राधा। क्या हो? मुझे बहुत लेट हो रहा है, इसलिए अब मैं अपने वतन के लिए रवाना हो रहा हूं। राधा, क्या बात है? मैं चलना चाहता हूं, क्यों नहीं? मेरी जिंदगी का सवाल है राधा। क्यों नहीं? ठीक है, लेकिन संडे को जरूर मिलना। हाँ राधा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं आपका इंतजार करूंगी। ठीक है राधा, मैं चल रहा हूँ। चलिए। लेकिन कैसे? क्या? हर चहला की तूफान आए, चहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, अरे जहर पीना फिर भी, ये मिलके न हो बेजुदा, खुदा आकर समझाए।
कहो क्या समाचार है? सर मन्नो समझ में नहीं आयो। क्या नहीं समझ में आया? आपने की बोले हो? कृपाल सिंह का कहीं कुछ पता लगा? अरे सर ना तो कृपाल सिंह मिलेगा और न मेरे को 50,000 रुपया गर्री के गर्री मिलेगी। हाँ बात तो सही कह रहा है, क्योंकि सरकार ने पूरे 50,000 रुपये का इनाम और मैं तो चाहता हूँ कि डाको कृपा सिंह को मैं ही गिरफ्तार करूंगा, क्योंकि हरी हरी नोट गर्री के गर्री में रखी से मिलेगी। सही कह रहा है, सतर्कता रखो, कामयाबी अवश्य मिलेगी। वो तो मिलनी है मेरे को। तो बस बता यस्मी अब जा तू उठ है, बस खबरदार यस्मी बस खबरदार यस्मी जा तू पहले वरना चूकेगा मेरा निशाना नहीं। अपनी सारी ये दौलत अब हवाले करो वरना बेमौत मारा तू जावे यहाँ। कौन थी और तेरी हिम्मत कैसे पड़ी हारने की? हमारा नाम डाकू अमर है। सर अभी तक तो केवल डाकू कृपाल सिंह था, ये अमर कांत भी जब पैदा हो गया। ए साले सरकारी बंदर, ओती आवाज में बात मत करियो वरना मेरे को, मैं कहता हूँ अपने पिस्तौल नीचे डाल दे। मेरे को मजबूर मत करो, क्योंकि मैं पुलिस वाला हूँ, ऐसी गोली चलाऊंगा ना कि सबकी धज्जियां बिगड़ जाएंगी। एएसपी अपने आदमी से कह दो अपने पिस्तौल नीचे डाल दे, अन्यथा तुम बेमौत मारे जाओगे। ऐसे कैसे होगा, मैं सरकारी आदमी हूँ और मेरी रिवॉल्वर भी सरकारी है। सर इजाजत दो, इनकाउंटर कर डालो। नहीं रखेगा तो मरने के लिए तैयार हो जा। कौन मरेगा? मैं मरूंगा? सबसे पहले तुम, तुम्हारा गिरोह मरेगा। तू नहीं मरेगा, तेरा साहब मरेगा। कौन? अरे छोटी मुंह बड़ी बातें करते हो साथियों, क्या सोचते हो? जब तक साहब का हुक्म नहीं आएगा। उड़ा दो इसकी खोपड़ी। नंबर वन रुको दीवान। यस सर। पिस्टल अपने नीचे डाल दे। ऐसे कैसे रख देंगे? हाथ में आया हुआ शिकार, हाथ में आया हुआ शिकार छोड़ दो। चलो अमर कृपाल सिंह नहीं मिला, अमर मिल गया है, 25,000 तो गर्री के गर्री मिलेगा ही। मैं डालता है अपना हथियार नीचे के तेरे साहब की खोपड़ी उड़ा दूं। नहीं डालूंगा। नंबर एक और नंबर दो लग जाइए, गोली मत चलाना। कैसा फड़फड़ा रहा साला मुखा। नहीं गोली मत चलाना, मैं हथियार डाल रहा हूँ। नया साले कुबड़ा डालता है नीचे की नहीं। फिर तो नहीं डालूंगा। नजर डाल। हे रुक जाओ, डालो अमर सिंह। क्या चाहता है तू? किस लिए आया मेरे पास? हमारी तुम्हारी दुश्मनी बहुत पुरानी है, उस दुश्मनी का आज बदला चुकाने आया हूं। तेरी पुरानी दुश्मनी है? हाँ एसपी। वो कैसे? क्योंकि तुम्हारी दुश्मनी हमारे पिता से बहुत वर्षों से चली आ रही है।
सरदार कृपाल सिंह की बात है। तो कृपाल सिंह का लौंडा है? जी हाँ। किस लिए आया है? एसपी, अभी तू समझा नहीं मैं किस लिए आया हूँ? नहीं, मैं तेरी मौत बन के आया हूँ और मरने के लिए तैयार हो जा। किस लिए मरेगा? गफलत ना करो। क्यों मरेगा? वो भी पूछ रहा है किस लिए मरेगा। अरे हमारे पिताजी का तू दुश्मन है। दुश्मन है, दुश्मन लड़ा नहीं जाना।